राउटर जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जो रेकमेंडेड है। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये मुझे कह रहा है कि ब्राउज़र राउटर को ना आप करो इम्पोर्ट। अच्छा, ये मैं किस में कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल में कर रहा हूँ, राइट। ये मैं इंडेक्स डॉट जे एस में कर दिया मैंने, और ये ब्राउज़र राउटर को अब मैं कहाँ लगा दूँगा, ये जो मेरी ऐप है ना, ये जो मेरी ऐप है, ये इसके इसको पैक कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें पैक कर दूंगा मेरी ऐप को, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं आया और मैंने कहा कि ब्राउज़र राउटर, और ऐसे करके जो है ना मैंने ऐसे पैक कर दिया इसको। अच्छा, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो हम अपने ऐप के शुरू में ही उसको पैक कर देते हैं और अपनी ऐप को हम क्या कर देते हैं, उसका चाइल्ड बना देते हैं, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, किसी को पता है, इसको हम प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। बल्कि पहले इसके साथ लिखा हुआ भी होता था कि भाई ब्राउज़र राउटर प्रोवाइडर ऐसे करके लिखा हुआ होता था इनकी एग्जाम्पल में ना, लेकिन अब उन्होंने लिखना छोड़ दिया है, तो इस तरह की चीज़ को हम प्रोवाइडर कहते हैं। प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि अब पूरी ऐप के अंदर ना कहीं पर भी मैं जाऊँगा तो ये मेरा पेरेंट है ना, क्योंकि तो ये मुझे डेटा सप्लाई कर सकता है, या यूँ कह लें कि ये अब क्योंकि पूरी की पूरी ऐप इसका चिल्ड्रन है, तो ये पूरे चिल्ड्रन को कंट्रोल कर सकता है, इसके पास ये एक्सेस आ जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम शुरू में इस तरह रैप कर देना, जैसे आप देखें रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मॉड, ये भी एक प्रोवाइडर है, क्योंकि मैंने उसको पैक किया हुआ है, तो पूरी रिएक्ट की ऐप को ना अब ये कंट्रोल कर सकता है। तो स्ट्रिक मॉड में कुछ चीज़ें जो अलाउ नहीं होती करना, अगर वो चीज़ें मैंने की तो वो एरर शो करता है, ठीक है। तो वो इस तरह से ये काम चल रहा होता है। तो ये मैंने क्या किया, अपने इंडेक्स डॉट जे एस में इस प्रोवाइडर को लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं पूरी ऐप में कहीं पर भी कोई भी चीज़ लिखूंगा तो वो राउटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होगी, अब बाहर नहीं होगी उससे। अच्छा, अगला काम मैंने क्या करना है, अरे भाई ये तो क्या किया इसने, आधा अधूरा काम किया। डॉक्यूमेंट्स पता नहीं क्या लिखे हैं इन्होंने यार, बेड़ा गर्क डॉक्यूमेंट लिखे हैं। असल में डॉक्यूमेंट में सही वाले इसलिए तलाश करता हूँ ताकि मैं आपको भी उसका रेफरेंस दूँ ना यार, ताकि बाद में आप करें। अच्छा, नीचे इन्होंने जगह जगह एग्जांपल यूज की हुई है उसकी, वो तो मुझे जाहिर है पता है, राउट और राउट्स करके लगाऊंगा तो वो चल पड़ेगा, लेकिन मसला ये फिर मैं आपको एज अ रेफरेंस क्या बताऊंगा कि यार यहाँ से पढ़ लो। अजीब से कुछ किया है इन्होंने यार, एग्जाम्पल की लैग कर रहा है, एग्जाम्पल भी सब कुछ गड़बड़ किया है। सब में यार सब मिक्स कर दिया इन्होंने, सब मिक्स कर दिया। ये मिल तो गया, लेकिन अब ये एक एग्जांपल में अगर सारी चीजें होती तो सही था ना, फिर ये मिल तो गया, मिलने को तो मिल ही जाता है फिर। अब मैं जाने लगा हूँ अपने ऐप डॉट जे एस की फाइल के अंदर ना। अच्छा, ऐप डॉट जे एस के अंदर जो फाइल थी उसमें मैं ऐप के अंदर जो कुछ था सबको गायब कर रहा हूँ यहाँ से, सही है। ऐप के अंदर जो कुछ भी था सबको मैंने गायब कर दिया, इसको इसकी ओरिजिनल हालत में ले आया हूँ, ये जिस ओरिजिनल हालत में था, ये यूज़ स्टेट को भी हटा दिया मैंने, ये जो कुछ इम्पोर्ट हुआ था इसको भी हटा दिया मैंने, सब हटा दिया। ये अब ऐप डॉट जे एस क्या हो चुकी है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, जैसी ये एक स्टॉक ऐप में होती है वैसी हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने काम क्या करना है, मैंने यहाँ डिव के अंदर ना, मैंने डिव के अंदर क्या लगाया, ये पूरा कोड लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड राउट्स, राउट्स एंड राउट, ये दो चीज़ें। अच्छा, राउट्स जो है ये पूरी विंडो है, और वन राउट इज अ वन पेज, वन राउट जो है वो वन पेज है, कि अच्छा यार ये पेज
कितना डिस्प्ले होगा और कैसे डिस्प्ले होगा। अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है ऊपर की इम्पोर्ट नहीं हुआ, तो इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा इम्पोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम, सही है, रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने क्या किया इम्पोर्ट करना है, राउट्स करना है और राउट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें मैंने कर ली फिलहाल। पहले इसके अंदर स्विच वुइच पता नहीं क्या होता था, लेकिन वो भी इन्होंने हटा दिया। अब राउट्स है और राउट है, सही है। अच्छा अब ये डैशबोर्ड और ये कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि ज़ाहिर है इसमें मौजूद नहीं है फिलहाल, इसलिए वो मुझे एरर दे रहे हैं, तो मैं इनको हटा देता हूँ ना, जो जो मौजूद नहीं है उनको हटा देता हूँ। सही है, मेरे पास तीन राउट मुझे चाहिए, नंबर एक स्लैश चाहिए जिसमें मुझे क्या करवाना है, जिसमें मुझे होम को डिस्प्ले करवाना है, राइट। नंबर दो पे मेरे पास क्या है, अबाउट था, आई थिंक अबाउट था, जिसमें मुझे अबाउट को डिस्प्ले करवाना है, सही है। और नंबर थ्री पे मुझे गैलरी था, जिसमें मुझे गैलरी को डिस्प्ले करवाना है। अच्छा अब ये जो तीनों के तीनों राउट हैं, होम, अबाउट और सॉरी गैलरी, हाँ स्लैश लगा दे तो भी सही, नहीं लगा तो भी मसला नहीं। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, सेल्फ क्लोजिंग है ना ये। अच्छा ये तीनों कंपोनेंट ज़ाहिर है इसको यहाँ मिल नहीं रहे क्योंकि मैंने ऊपर इसको इम्पोर्ट नहीं किया। ये तीनों कंपोनेंट क्या चीज़, क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही। ये जो इससे पहले हम ऐप बना रहे थे वही वाली है, इससे पहले जो ऐप बना रहे थे ना वही वाली है, सही है। अच्छा ये तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ये तीनों किस तरह के हैं। वैसे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। सही है, ये तीनों कंपोनेंट मैंने यहाँ पे उठा के मैं लेकर आ गया। इस कंपोनेंट को अगर हम देखना चाहें तो ये कंपोनेंट्स का फोल्डर है हमारे पास, इसमें ये तीन फाइलें बनी हुई हैं। नंबर एक होम डॉट जे एस एक्स, ये होम डॉट जे एस एक्स का पूरा कोड है, ये गैलरी डॉट जे एस एक्स और ये अबाउट डॉट जे एस एक्स, ठीक है। इस कंपोनेंट के फोल्डर को मैंने बंद किया, मैं वापस ऐप डॉट जे एस में आया, इन तीनों को यहाँ पे इम्पोर्ट करवाया हुआ, सही है, समझ आ रहा है सब लोगों को ये। अच्छा यहाँ पे तीनों को इम्पोर्ट करवा लिया मैंने और यहाँ पे तीनों को ऐसे डिस्प्ले करवा दिया मैंने। अब ये जो राउट वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये मेरा पार्ट कौन सा है, ये स्वैपेबल पार्ट है। ये जो तीन इसमें लिखे हुए ना कंपोनेंट, एक वक्त में एक डिस्प्ले होगा अकॉर्डिंग टू द URL, के ऊपर URL क्या है ब्राउज़र के अंदर अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा इससे पहले जो हमने किया था वो क्रिएट वाला, वो भी ऐसा ही था, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज़्यादा घुमा हुआ था, तो सिंपल है ये, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ना बीच में रोक के, अब इसकी अलग से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ताकि आप डायरेक्ट इसी वाले को ही देखें, अगर बाद में देखें भी, ठीक है, पुराने वाले को मैंने अलग कर दिया रिकॉर्डिंग। अच्छा अब इसको ज़रा स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या डिस्प्ले कर रहा है ये, कुछ एरर वेरर भी ला रहा है ये क्या। अच्छा दिस इज़ गैलरी पेज लिखा हुआ है, इस पर मैं क्या करता हूँ स्लैश करता हूँ, दिस इज़ होम पेज आ गया, और स्लैश अबाउट करता हूँ, अबाउट की स्पेलिंग गलत कर ली मैंने, ओहो दो बार कैसे गलत कर सकता हूँ यार, सही है अबाउट। अच्छा अगर ये तीनों मैच नहीं करते हैं तो लास्ट में मैं क्या बना सकता हूँ, एक यहाँ पे स्टेरिक भी बना सकता हूँ, और स्टेरिक में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी बात लिख सकता हूँ। मैंने कहा यार एक डिव लिख दो, डायरेक्ट ही हाथ से डिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई डिव और पेज नॉट फाउंड, सही है, क्या अलाउ कर रहा है मुझे इस तरह डिव लिखना, ये नहीं, वो डिव असल में गलत लिख दिया ना मैंने, ऐसे होता है, सही है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहीं पे एक डिव बना दिया, लाइन ब्रेक कर दी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो मैंने इसमें स्टैरिक लगा दिया कि भाई स्टैरिक अगर ऊपर से कोई भी मैच नहीं कर रहा तो क्या करो आप, ये वाला लिख दो। अब मैं कोई गलत अगर URL लिखूंगा यहाँ पे
तो वो ना पेज नॉट फाउंड ऐसे लिखा हुआ रहेगा, यानी आप अबाउट गैलरी और स्लैश के अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी आता है तो वो लास्ट वाला चल जाएगा। ठीक है, आसान है यहाँ तक तो ये बिल्कुल। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें इस राउट को अब सिक्योर कैसे करना है वो देखना है। इस वाले राउटिंग में कोड भी काफ़ी कम है, राइट। इसका जो टोटल कोड है ना वो ये है, एक लाइन ये री और एक ये री लाइन, ये हो गई दो तीन लाइन का कोड। उसके बाद हमारे पास कुल मिला के कोड जो है वो यही है और कोई कोड नहीं है हमारे पास। अच्छा अब जाहिर है हमारे पास ऊपर अभी URL हाथ से एडिट कर रही है तो हम नहीं करेंगे इस तरह, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका वो बटन बनाना पड़ेगा। बटन के लिए मैंने कहा UL एक लगाओ और UL के अंदर LI लगाओ, और एक LI एक बटन होगा मेरा, ठीक है। और बटन मैं कैसे करके लगाऊंगा, मैं एंकर टैग भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन एंकर टैग का जो डाउन साइड था वो ये था कि उसमें पेज रिफ्रेश होता है पूरा, ठीक है, वो मुझे नहीं करवाना, मुझे पेज रिफ्रेश नहीं करवाना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लिंक, सही है, और ऐसे करके करूँगा मैं। और लिंक के अंदर क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले होम लिख देता हूँ और मैंने कहा टू, और टू करके इस पर मैं बता दूंगा कि भाई जाना कहाँ है, मैंने कहा भाई स्लैश पे जाना है टू करके, ठीक है। इसी तरह मैं तीन और बना देता हूँ, मैंने कहा भाई गैलरी और अबाउट, गैलरी अबाउट, ठीक है, ये तीन मैंने बना दिए। अच्छा ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है, लिंक ऊपर मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो ये जो मेरा ब्राउज़र राउटर का था ना इसी में मैंने लिंक भी इंपोर्ट कर लिया, तो ये इंपोर्ट हो गया। ये वाला पार्ट स्वैपेबल नहीं है, ये हर वक्त सामने खड़ा रहेगा। स्वैपेबल पार्ट ये वाला है, इधर से मैं क्लिक करूँगा नीचे से स्वैप हो जाएगा ये, दूसरे पर क्लिक करूँगा नीचे स्वैप हो जाएगा ये, समझ रहे हो। ऐसे करके इसकी अभी हिसाब किताब जो है वो रन होगा। मैंने रिफ्रेश कर लिया एक बार, पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ रहा है, URL में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम आ गया, गैलरी और अबाउट, ये मेरा राउटर जो क्रिएट वाले पे किया था हमने वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ना, ठीक है। इसने लिंक पे मुझे एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, शुरू में ही प्रोवाइडर लगा हुआ है वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, इसलिए वो लिंक में एरर मुझे नहीं दे रहा कि आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर, सही है। तो हम इसमें ब्राउज़र राउटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हैं। हाँ भाई ये कौन करता है, हाँ बोलो। वहाँ पे भी चलेगा, मगर देखो अब मैंने यहाँ से कट कर दिया, सही है, मैंने यहाँ से कट करके तुम कह रहे हो इस होम के अंदर जाके दे दूंगा। होम के अंदर यहाँ पे पहली बात तो मुझे इसका पेरेंट सिंपल पेरेंट करना पड़ेगा ना, मैं यहाँ नहीं पेस्ट कर सकता, वो एरर देगा, वो कहेगा एक सिंगल पेरेंट होगा, ऐसे करके सिंगल होगा, राइट। अब इस सिंगल पेरेंट के अंदर मैं यहाँ इसको पेस्ट करूँगा, फिर इसके लिए मुझे डिप बनाना पड़ेगा अलग से, और लिंक को मुझे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो लिंक को इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, ये तीनों को इम्पोर्ट कर लिया मैंने फ़िलहाल के लिए, सही है, लिंक इम्पोर्ट हो गया। अब देखो होगा क्या, रिफ्रेश किया मैंने, होम पे मैं मौजूद हूँ ये दिख रहा है मुझे, गैलरी पे क्या गायब हुआ, वो फिर मुझे दूसरे पे भी लगाना पड़ेगा, तीसरे पे भी लगाना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको जैसा था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ऐसी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे। हाँ 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 नहीं ना, तो वो ऐसी जगह पे आप लगाओगे ना, अभी यार अभी चलो पहले अभी देख लो जो मैं बता रहा हूँ ना वो देख लो पहले। अच्छा तो ये तो भाई मेरा बिल्कुल ओके हो गया, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको कुछ अलग चीज़ दिखानी है, और वो लॉगिन है तो उसको कुछ अलग चीज़ दिखानी है। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए पहली बात तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ट्रू फॉल्स। अब वो ट्रू फॉल्स सर्वर से आएगा वैसे तो कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं वैसे ही हार्ड कोडेड लिख देता हूँ कि ट्रू या फॉल्स। तो मैंने उसको बोला कि भाई कॉन्स्ट इज़ लॉगिन, राइट,
सही है, इज लॉग इन और शुरू में मैंने रख दिया इसको ट्रू, राइट right? मेरा बंदा लॉग इन है अभी, ये यूज स्टेड वो नहीं हुआ हुआ, रिक्वायर नहीं हुआ हुआ, पर इम्पोर्ट कर लेते हैं हम ज़रा इसको। सही है भाई, सब लोगों को समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू रखवा दिया, सही है, अभी और कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा सोच के बताओ कि ये जो स्क्रीन है जहाँ यार ये क्या एरर आ जाता है थोड़ी देर बाद, द अबव एरर अकर इन ऐप कंपोनेंट दिस 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 एडिंग एरर, पता नहीं क्या बोल रहा है, अभी गायब हो गया। वेल अच्छा, तो ये जो मेरे पास जो अभी इस वक्त स्क्रीन है, ये लॉग इन हुआ हुआ बंदा देखेगा या बगैर लॉग इन वाला बंदा देखेगा? लॉग इन हुआ हुआ बंदा ये देखेगा कि यार होम अबाउट गैलरी, ठीक है, या प्रोफाइल भी इसमें एक ऐड कर लेंगे हम, मे बी एक प्रोफाइल भी इसमें ऐड कर देता हूँ जिस पर अभी कुछ होगा नहीं फिलहाल। सही है, एक मैंने प्रोफाइल भी ऐड कर लिया, सही है, प्रोफाइल इसलिए ऐड किया कि होम गैलरी तो बगैर लॉगिन वाला भी मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा रहे होते हैं उनको, लेकिन प्रोफाइल वो बगैर लॉगिन वाले को नहीं दिखाते, कभी भी नहीं दिखाते। तो ये असल में मेरे लॉगिन होने के बाद की स्क्रीन है, सही है, लॉगिन होने के बाद की स्क्रीन है मेरे पास ये, तो इस लॉगिन में इस वक्त ट्रू है। तो मुझे अब क्या करना है, इस नेविगेशन बार को कंडीशनल बना देना है। मैं क्या करूँगा, मैं दो नेविगेशन बार बनाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने दो नेविगेशन बार बनाया, अब एक में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि भाई एक में तो था ना स्लैश पे होम पे जाएगा ये, एक में तो ये था कि स्लैश पे ये कहाँ जाएगा, होम पे। तो ये वाला पार्ट कब दिखना चाहिए, इसको मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया पूरे को और मैंने कहा भाई इज लॉग इन होना चाहिए बंदा, इस लॉग इन अगर है ना ये बंदा, ठीक है, समझ आया टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगा? ये टर्नरी ऑपरेटर इस लॉग इन अगर है ना तो ये नेविगेशन बार दिखेगा, अदरवाइज अगर लॉग इन नहीं है तो नल दिखेगा, ऐसे करके। अच्छा अब ये जाहिर है इसको मैं एक में भी लगा सकता हूँ, दोनों में भी लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा एक लॉग इन साइन अप वाला, मैंने बोला भाई ये स्लैश हो ना अगर तो लॉगिन जो है वो स्लैश पे लेके जाएगा, सही है, और यहाँ पे जो है वो साइन अप होगा, सही है। अब मेरे पास ये जो वाला नेविगेशन बार है इसमें क्या है, इसमें दो ही लिंक है, एक स्लैश है जो कि लॉगिन होगा, अब यानी स्लैश पे मुझे लॉगिन दिखाना है और दूसरे में मुझे स्लैश पे साइन अप दिखाना है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से कट करूंगा और मैं कहूंगा कि भाई अगर लॉगिन ट्रू है तो ये दिखाओ, लॉगिन फॉल्स है तो ये दिखाओ। अब मेरा जो नेविगेशन बार है वो क्या हो गया, अब कंडीशनल हो गया। अभी एक पार्ट और भी है कंडीशनल बनेगा जो, अब मैं इधर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, अभी क्योंकि लॉगिन है तो अभी मुझे लॉगिन हुआ हुआ दिख रहा है, मैं इसको आके फॉल्स करूंगा जब, तो वो क्या दिख जाएगा मुझे, ये वाला दिख जाएगा। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? अच्छा मैं ना एक बटन भी बना देता हूँ इसी के नीचे ना, साथ में एक छोटा सा बटन बना देता हूँ जो जिसको मैं क्लिक करके ना टॉगल लॉग इन साइन अप कर सकूँ, टॉगल लॉग इन साइन अप जिस पर मैं कर सकूँ। मैं एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे, मैं बटन बना देता हूँ, मैं कहता हूँ टॉगल लॉग इन टेस्ट, सही है, ये टेस्ट बटन है, इसको हम बाद में हटा देंगे क्योंकि ये एक्चुअल में इस बटन से नहीं हो रहा होगा, ये सर्वर से आ रहा होगा डेटा हमारे पास, फायरबेस हमें बता रहा होगा कि ये बंदा इस वक्त लॉगिन है या नहीं है। अच्छा इस बटन के मैंने कहा ऑन क्लिक पे क्या करो, ऑन क्लिक पे क्या करो कि सेट इज लॉगिन, इस पर फंक्शन देना होता है ना मुझे, सेट इज लॉगिन के अंदर क्या कर दो, नॉट इज लॉगिन कर दो, सही है। तो अब ये ना छोटा सा मेरे पास एक बटन आ गया, जब इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये लॉगिन और नॉट लॉगिन वाले को क्या करेगा, ये मिमिक करेगा, सही है, ये लॉगिन हो गया, ये लॉग आउट हो गया,
वो उसी को असल में ट्रू फॉल्स कर रहा है, वो एक्चुअल में तो हम ऐसे नहीं करेंगे, वो सर्वर पे हम भेज रहे होंगे, उस तरह से होगा वो। अच्छा अब अगला पार्ट मुझे ये वाला पार्ट भी कंडीशनल बनाना है कि जब स्लैश के पाथ पे मैं होम जो दिखा रहा हूँ ना वो कब दिखाऊंगा मैं, वो मैं लॉग इन हुए हुए बंदे को दिखाऊंगा। तो मैं इसके डुप्लीकेट करता हूँ इसको, और डुप्लीकेट करके मैं बोलूँगा भाई स्लैश के पाथ पे मुझे क्या दिखाना है, लॉग इन दिखाना है मुझे। अगर वो लॉग इन नहीं है तो डायरेक्ट लिखेगा ना भाई facebook.com, तो डायरेक्ट कहाँ जाते हो, लॉग इन पर जाते हो। तो ये लॉग इन दिखाया भाई, स्लैश के पाथ पे लॉग इन दिखाया, और उसके बाद एक साइन अप का पाथ हो जिसके ऊपर ये क्या दिखाया, साइन अप दिखाया, और बाकी के राउट्स मुझे ये नहीं दिखाया। और स्टैरिक पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा स्टैरिक पे भी ना अगर कुछ और भी लिख दे वो घुमा फिर आगे तो उसको फिर भी कहाँ ले जाओ आप, उसको लॉगिन पे ही ले जाओ आप, क्योंकि उसके मुकद्दर में क्या है सिर्फ लॉगिन करना लिखा हुआ है अभी, क्योंकि वो लॉगिन नहीं हुआ हुआ, सही है। अच्छा लॉगिन साइन अप के नाम से कोई कंपोनेंट इस वक्त बनाया नहीं है मैंने, तो ये एरर दे रहा है, लेकिन अभी मेक सेंस हो रहा है। अच्छा तो अब इसको मैं कैसे कंडीशनल बनाऊंगा, सेम उसी तरह जैसे ऊपर वाले को बनाया था। अब मैं यहाँ पे करूँगा एक और टर्नरी ऑपरेटर, सही है, और मैंने कहा भाई क्या हो गया बंदा इस लॉग इन अगर है क्वेश्चन मार्क तो क्या दिखा दो उसको, ये लॉग इन वाला दिखा दो, सही है, लॉग इन वाला दिखा दो, बीच में मैंने ये लगा दिया। मैंने कहा इस लॉग इन अगर ट्रू है तो ये वाला, अदरवाइज ये वाला। तो अब वापस आके, अच्छा इसमें मुझे ये दोनों कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे ना, ज़रा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं। सही है, मैंने दोनों को इंपोर्ट पहले कर लिया, और बना लेते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ इसका। मैंने कहा भाई आप हो लॉगिन और आप हो साइन अप, सही है, लॉगिन के अंदर गया और मैंने कहा भाई क्या हुआ, लॉगिन हुआ, साइन अप में गया मैं और मैंने कहा भाई आप क्या हो, साइन अप हो, SIGNU, सही है। अब मेरे पास ये एरर आना बंद हो जाना चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट क्योंकि मैं बना चुका हूँ और इन दोनों कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है। अब ज़रा वापस आते हैं और वापस आके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो इस वक्त ये कौन सी स्टेट में, लॉगिन स्टेट में या नॉन लॉगिन स्टेट में, नॉन लॉगिन स्टेट के अंदर है। तो जब भी मुझे ये लॉगिन, अब मैं लॉगिन का बटन प्रेस करूँगा तो देखो कह रहे हैं कि दिस इज़ लॉगिन पेज और दिस इज़ साइन अप पेज, ठीक है। अच्छा अब अगर लॉगिन के पेज पे आया और इमेजिन करो मैंने क्रेडेंशियल एंटर किए और मैं लॉगिन कर गया, तो जैसे ही लॉगिन होगा ये पेज आ जाएगा, सही है। अच्छा इस पेज के ऊपर मैं गैलरी पे खड़ा हुआ हूँ, अबाउट पे खड़ा हुआ हूँ, प्रोफाइल पे खड़ा हुआ हूँ, कहीं पे भी खड़ा हुआ हूँ, होम पे खड़ा हुआ हूँ, जैसे ही मैं लॉग आउट होऊंगा ना नीचे फ़ौरन देखो होम की जगह लॉगिन का पेज आ गया, ये समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर अभी नहीं समझोगे तो ये बाद में फिर बड़ा मसला हो जाता है। देखो नहीं सही है, अगर दोबारा समझाने कह रहे तो उसमें नहीं किया बात। देखो हमारे पास जो नेविगेशन बार था वो भी कंडीशनल हो गया, दो हो गए नेविगेशन बार, ठीक है। हमारे पास जो आउटलेट था इसका या जो राउट्स थे, जो ऐसी विंडो थी जो स्वैपेबल है, वो भी मल्टीपल हो गई है और वो कंडीशनल है कि अगर बंदा लॉगिन है तो पूरी विंडो ही दूसरी दिख रही है उसको जो स्वैपेबल विंडो है, और अगर लॉगिन नहीं है तो उसको विंडो ही दूसरी दिख रही है जो स्वैपेबल है, ठीक है। अगर बंदा कोई लॉगिन नहीं है तो उसको जो विंडो दिख रही है उसमें कौन कौन से पेजेस हैं, लॉगिन और साइन अप ही हैं, और कोई है ही नहीं पेज उसके अंदर। अगर बंदा मिसाल के तौर पर देखो अभी लॉगिन नहीं है बंदा, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये ऊपर मैंने जस्ट एक छोटा सा वेरिएबल बनाया हुआ है उससे ही डिसाइड हो रहा है, और उस वेरिएबल को मैं चेंज करता हूँ हाथ से तो लॉगिन हो जाता है, चेंज करता हूँ तो अल्टीमेटली ये सर्वर से डेटा आ रहा होगा कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। हाँ क्या करें, ये साइन अप को क्लिक किया, साइन अप का पेज, लॉगिन क्लिक किया, लॉगिन का पेज होना चाहिए। अच्छा तो बंदा ये साइन अप के पेज, लॉगिन के पेज पे खड़ा हुआ था और इसने लॉगिन कर दिया, यानी पीछे वो वेरिएबल था वो चेंज हो गया, ट्रू हो गया, फौरन उसको क्या दिख गया, होम दिख गया। हाँ हाँ
हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने। स्लैश गैलरी एंटर लॉग इन पेज, वो किया मैंने लॉग आउट ही था। सही है, रिफ्रेश किया, जो भी कर मर्जी कर लो, ये लॉग इन हो गया, ये लॉग आउट हो गया। अब अगर बंदा लॉग आउट है ना, तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इसके अंदर मैंने एक तो नेविगेशन बार में दो ही बटन दिखाया, दूसरा इस विंडो में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा भाई स्लैश हो तो लॉग इन दिखाओ, साइन अप हो तो साइन अप दिखाओ, उसके अलावा कुछ भी हो लॉग इन पर ले जाओ उसको। अच्छा ये लॉग इन इस तरह करने से ना, देखो एक चीज़ हो रही है, अच्छा इसने याद दिलाया, देखो अभी मैं गैलरी लिखता हूँ ना ऊपर, तो ऊपर गैलरी लिखा हुआ आ रहा है और नीचे लॉग इन दिखा रहा है मुझे। अगर मैं हाथ से ऊपर साइन अप लिखूंगा तो मुझे साइन अप पे ले गया ये, लेकिन अगर मैं ए बी सी कुछ लिख दूँ एक्स्ट्रा तो ये क्या करता है, लॉग इन पेज तो दिखा देता है लेकिन ऊपर से ये इसको स्लैश पे भी तो लाना चाहिए रिटर्न घुमा के, वो नहीं कर रहा है। उसके लिए एक चीज़ इसमें होती है रीडायरेक्ट, अभी यहाँ पे इनके पास ना दिखाया हुआ होगा, मैं सिंपल वहाँ पे लॉगिन लिखने के बजाय मैं बोलूँगा रिडायरेक्ट टू लॉगिन, मैं असल में ये बोलूँगा उसको। अब रिडायरेक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं जिक्र होगा रिडायरेक्ट का, ये रहा रिडायरेक्ट, वो मतलब यूआरएल को ही वो चेंज कर दे, उस यूआरएल पे ही जाने ना दे। अरे यार ये क्या बकवास है, पता नहीं ये ऐसे डॉक्यूमेंट ऐसा कर दिया इन्होंने। डायरेक्ट ऐसे करके देखते हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ ना इस डायरेक्ट पे एलिमेंट ले जाओ लॉगिन, मैं इसको बोलूंगा भाई रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट ऐसे ही होता था ना, स्मॉल है, रिडायरेक्ट के साथ क्या है टू है यार, एक मिनट यहाँ से सर्च ही कर लें इसको। सही है, किसी ने यहाँ पे बताया हुआ है, जिक्र किया हुआ है। अच्छा रिडायरेक्ट जो है वो अलग जगह से किया हुआ है इसमें, ये क्या बकवास है। अच्छा नेविगेट है, नेविगेट है वो, रिडायरेक्ट मैं गलत बोल रहा था, वो जब भी तो उसमें सजेशन में नहीं आ रहा था वो, ये देखो नेविगेट फौरन आ गया ना सजेशन में। ओ भाई, और नेविगेट को इसने उठाया कहाँ से। अच्छा अब मुझे यहाँ पे असल में डॉक्यूमेंट में नेविगेट के लिए सर्च करना था, मैं देख ही गलत रहा था। नेविगेट नेविगेट ये रहा नेविगेट, सही है। हाँ नेविगेट ये इधर से इसने उठाया और इसको इस्तेमाल कैसे किया है, ये बस ऐसे करके लगा दिया टू, नेविगेट टू और साथ में रिप्लेस का एक उसमें प्रॉप है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो कर दो, मैं बोलूँगा इसको भाई नेविगेट हो जाओ, नेविगेट हो जाओ और किस पे हो जाओ टू, मैंने कहा टू हो जाओ स्लैश के ऊपर, मतलब बंदे ने स्लैश या साइन अप इसके अलावा कोई भी तीसरी बात लिखी है ना, मैं उसको बोलूँगा भाई आप स्लैश पे इसको वापस लेकर जाओ। अच्छा और साथ में एक प्रॉपर्टी है इसकी रिप्लेस, सही है, रिप्लेस अगर मैं करूँगा ना ट्रू, रिप्लेस अगर मैं करूँगा ट्रू तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी यूआरएल है उसको हटा के उसकी जगह पे लगाया जाए। मिसाल के तौर पे एक तो नेविगेशन ये होगी ना कि भाई अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी तो अब स्लैश डाल के उसको लॉग इन पर लेके जाए आप, एक तो ये होगा। रिप्लेस ये होगा कि ए बी सी को हटा के लॉग इन करो आप, रिप्लेस का मतलब ये है। तो हमें रिप्लेस क्या देना है, हमें रिप्लेस उसको ट्रू देना है, सही है, रिप्लेस ट्रू इसी तरह लिखा है उन्होंने, देख लेते हैं एक दफ़ा ज़रा, रिप्लेस ट्रू इसी तरह लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा स्लैश अबाउट मे बी एंटर, तो इसने क्या किया अबाउट को फ़ौरन हटा दिया और मुझे लॉगिन पे भी लेकर आ गया। ये ज़ाहिर है अबाउट के हटने की वजह से वो नीचे का भी चेंज हो गया, तो ये प्रॉपर तरीका है। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले में भी कर देता हूँ, ये जो हैश था ना स्टैरिक था, ठीक है, ये जो स्टैरिक पे मैंने लिखा है ना पेज नॉट फाउंड, इसकी जगह मैं नेविगेट भी लगा सकता हूँ। मैंने कहा भाई नेविगेट करके उसको होम पे लेके चले जाओ, दैट्स इट, दोनों भी लगा सकते, नहीं मतलब डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं।
अगर आप कहना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि यार आपने जो लिखा है वो नॉट फाउंड है, मिसाल के तौर पे आपने कोई लंबा चौड़ा यूआरएल है, वो किसी को शेयर किया है आपने, अब वो यूआरएल जाके पेस्ट करता है अपने ब्राउज़र में, तो आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि यार ये यूआरएल नॉट फाउंड है। आप उसको ये नहीं कर सकते कि घुमा के होम पेज पर ले जाएँ, उसको गुस्सा आएगा कि यार ये क्या सीन है, मैं लिख रहा कुछ और हूँ, ये घुमा के मुझे होम पेज पर ले आ रहा है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे उसको बताना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि भाई ये जो आपने लिखा है ये ख़त्म हो गया, अब एग्जिस्ट नहीं करता। सम टाइम आपको ये होता है कि आप घुमा के उसको वापस ले आते हो, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन योर केस कि आपका क्या केस है। सही है, इसको मैं सिंगल लाइन में ही कर देता हूँ। अच्छा, तो हमने काफ़ी सही तरीके से पढ़ लिया है राउटर, मेरे ख्याल है राउटर में, अब तो मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, ये जो नेविगेट है ना, ये प्रोग्रामेटिकली भी हो जाता है। सही है, मिसाल के तौर पर किसी बटन के क्लिक पे आप चाहते हैं कि नेविगेट हो जाए तो वो भी हो जाता है, ठीक है। वो भी इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा डॉक्यूमेंट में। अब मसला इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ ये है कि इनका डॉक्यूमेंट ना अभी प्रॉपर कोई इसमें एग्जाम्पल भी नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं बना हुआ, ऐसे ही पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मेरा तो मीटर शॉर्ट हो रहा है इसको देख देख के। अब देखो, जो प्रोग्रामेटिकली होता है ना, उसका नाम है रिडायरेक्ट, कि किसी भी चीज़ के ट्रू या फॉल्स होने पे आप किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। एक तो बटन के क्लिक से होता है ना, एक प्रोग्रामेटिकली कि भाई बंदे ने लॉगिन का बटन दबाया, अगर तो लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो डैशबोर्ड पे नेविगेट कर दे, अदरवाइज एरर दिखा दे, समझ रहे हो। तो वहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, इसको हम कहते हैं रिडायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आपको समटाइम, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हमारा तो वेरिएबल जैसे ही फ्लिप होता है ना तो वो पेज ही चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। वो विंडो ही गायब हो जाती है जो बगैर लॉगिन वाली है, जो लॉगिन वाली विंडो है वो उसकी जगह पे आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास अभी टाइम नहीं बचा, वरना आज मेरी कोशिश थी कि हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन भी पढ़ लेते। अच्छा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन कोई दुनिया की अगर वाहियात तरीन चीज़ कोई बनी है ना आज तक, तो वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, सही है, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल है तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आपका मिनी हैकाथॉन होगा जिसमें आप यही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, और आप एक छोटी सी ऐप आपको बनाने के लिए दी जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है आपको, आप सब लोगों को करना ये है कि जो लास्ट टाइम वो फेसबुक को और ट्विटर को पता नहीं क्लोन किया था आप लोगों ने, उसमें ये वाला राउटर आपने इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें एक डमी बटन आपके पास लगा हो, जैसे ये डमी बटन है ना, मैं क्लिक करूँ तो लॉग इन पर चला जाए और क्लिक करूँ तो लॉग आउट हो जाए। आपको एक ऐसी ऐप बिल्कुल प्रिपेयर कर लेनी है कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊंगा तो आप उसमें लगाएं और वो रेडी हो जाए, चल पड़े। ये समझ रहे हो बात? हाँ, नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अपने हाथ से लिख लेना, ये वाला बोल, ये पॉइंट है मेरा, अपने हाथ से लिख लेना और लिख के इतना उसको बना लेना प्रॉपर कि जैसे ही मैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन, अच्छा फायरबेस ऑथेंटिकेशन 5-6 लाइन का कोड है, उससे ज़्यादा नहीं है, 5-6 लाइन का। ये जो ये वाला चीज़ है ना, ये वाली, बस मैं इधर ही हटाऊँगा और इधर एक यूज़ इफेक्ट लगाऊँगा और हो गया, दैट्स इट। अभी असल में उसकी थ्योरी समझानी पड़ेगी ना पूरी, कहानी ज़्यादा है, कोड थोड़ा सा है, वो सारी कहानी सुना के फिर वो 4-5 लाइन का कोड लिखूँगा इधर और बस वो हो जाएगा, सही है। तो ये जस्ट ये वेरिएबल जो है ना, इसकी जगह पर वो आ जाएगा फायरबेस ऑथेंटिकेशन, तो हो जाएगा ये काम सब लोगों से, ये ज़रूर कर लेना। और भाई वो फॉर्मिक वाला जो होता है ना, फाइल कैसे हैंडल होगी, उसको भी ज़रा सर्च करना, देखना, सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत करो खुद से भी। अगर मैं आज भी वो कर सकता था, लेकिन अभी देखो टाइम पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने वो उस चीज़ को स्किप किया है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा कोई एक बंदा, और बता दीजिएगा, मैं बात आके सबसे शेयर कर दूँ, अदरवाइज़ हमें किसी क्लास में थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके उसको देखना पड़ेगा, वो फॉर्मिक वाली, जो फॉर्मिक में फाइल इनपुट कैसे हैंडल होता है, ठीक है। चले, फिर मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में।